find HCF of 12 and 16 by division method. HCF highest common factor, GCD greatest common divisor, दोनों के दोनों same होते हैं. अगर मैं division method से इसका HCF निकालना चाहता हूँ 12 and 16 का, तो देखिए आपको करना क्या है, छोटे number को divisor बनाइए और बड़े number को dividend बनाइए. सबसे पहला step ये है और इसको क्या है, divide करिए. ठीक है ना, अब मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा भाई, क्या होगा, यहां 1 आएगा और ये 12 आ जाएगा. और ये अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये सबट्रैक्ट करने के बाद यहां पे क्या आएगा, 4 आएगा. ओके, अब आपको क्या करना है, जो मेरे पास डिवाइजर था, अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तब तक, जो डिवाइजर था उसको क्या बना देना है, डिविडेंड बना देना है. इसको डिविडेंड बना देना है, यहां पर डिविडेंड की तरह लिखिए इसे. ये डिविडेंड बना दिया तो 12 आया और यहां पे 3 आएगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा. जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब जो ये जो नंबर होगा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये आ जाएगा HCF आ जाएगा. इन दोनों नंबर्स का HCF कितना है, 4 है. इन दोनों नंबर्स का HCF कितना है, 4 है. ओके, नाउ फोकस हियर, मैं आपको बात बताता हूं कि ये डिवीजन मेथड है और बहुत सही मेथड है कि आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, सबट्रैक्ट करना है और जो यहां पर डिवाइजर है इसको डिविडेंड बना देना है. और ये प्रोसेस रिपीट करनी है, कब तक रिपीट करनी है, जब तक ये जो मेरे पास रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए. ठीक है, मान लो इसका हम प्रोडक्ट बेस से करते हैं अगर, तो भी बहुत आसान सी बात थी, आसान सा नंबर था. इसके फैक्टर क्या है, 1 12 है एंड 2 6 है या 3 4 है. ओके, 16 के बारे में बात करें तो 16 इंटू 1 है, 8 इंटू 2 है और क्या है, बस ये 4 इंटू 4 है, 4 इंटू 4 है. बात समझ आ गई, तो मुझे लगता है कि इसके जो डिवाइजर हैं, फैक्टर्स हैं, मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 12 आ गया, लाइक यही है. और यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है और 16 है. तो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो मेरे पास कितना आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, ध्यान से देखिए, कॉमन फैक्टर तो 1 भी है 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 4. तो जो हमने आंसर डिवीजन मेथड से जो आंसर निकाला है वो क्या है, एकदम करेक्ट है और मुझे लगता है समझ आ गया होगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में क्या है, कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है. ओके,